मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, हाउ आर यू चिल्ड्रेन? आप लोग सब अच्छे हैं घर में? आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्स, और घर में भी खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मम्मी पापा को तंग नहीं कर रहे होंगे, है ना? चलिए, वी आर ऑन चैप्टर 10। मैं आपको बीच बीच में से कभी कभी कुछ छोड़ देती हूँ, तो वो कोई कारण से छोड़ती हूँ चैप्टर, ओके? नेवर माइंड, अगर मैंने बीच में कोई चैप्टर छोड़ भी दिया है आपका, तो वो मैं करा दूंगी आपको सबको, ठीक है? अभी हम चैप्टर 10 यूजेज ऑफ प्लांट्स पे करें, ठीक है? अब आप बहुत छोटे बच्चे हो, यूजेज ऑफ प्लांट्स का क्या मतलब है? प्लांट्स हमारे चारों तरफ होते हैं, है ना? कितने पौधे हम देखते हैं, बड़े पौधे, छोटे पौधे, है ना? हर्ब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, उन सबका कोई ना कोई फ़ायदा हमको होता है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे हमको कितनी चीज़ें हमको मिलती है। बगैर प्लांट्स के हम तो लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना? हमें बहुत सारी चीज़ें प्लांट से मिलती है। चलो इस चैप्टर में देखते हैं हमको क्या मिलता है प्लांट से। मैच द डिफरेंट प्लांट्स टू देयर यूजेस। यहाँ पे प्लांट्स बने हुए हैं और यहाँ पे यूजेस लिखे हैं, अब हमको मैच करना है। पहले हम देखें कौन से प्लांट्स लिखे हैं। ये तुलसी, तुलसी तो बहुत एक धार्मिक पौधा भी होता है। तुलसा जी हम लोग आजकल बहुत यूज़ करते हैं ना, आजकल कोरोना में तो बहुत यूज़ हो रही है। दिस इज़ रोज़, रोज़ तो आप जानते हो बहुत अच्छी खुशबू आती है रोज़ में। टीक, टीक जो होता है बेसिकली ये पेड़ बेटा फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए इसकी लकड़ी जो होती है ना वो काम में आती है। हमारे यहाँ टीक के टेबल्स वगैरह सब घर में होते हैं। शुगर केन होता है गन्ना, गन्ना जानते हो ना, गन्ने का जूस आपने कई बार पिया होगा। कॉटन, कॉटन का भी पौधा होता है जिसमें ये रुई ऐसे पौधे में उगती है, और कॉटन के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप कपड़े पहनते हो। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आप सब खाते ही हो रोज़। तो अब इनका एक 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 हम ये देखते हैं कि किससे मैच करेंगे। अब तुलसी जो है बेटा, आप मैच करोगे टू मेक मेडिसिन। तुलसी से बहुत सारी मेडिसिंस बनती हैं, पर्टिकुलरली कोल्ड, कॉफ, खांसी, इनके लिए तुलसी बहुत काम में आती है। सो आप यहाँ पे एफ लिख दीजिए, या फिर इसको आप लाइन बना के भी मैच कर सकते हैं, ठीक है? रोज़ में क्योंकि खुशबू आती है तो रोज़ से वो गुलाब जल बनता है, परफ्यूम्स बनते हैं, तो ये डी ऑप्शन टू मेक परफ्यूम। ये परफ्यूम बनाए ना आप, परफ्यूम बना सकते हैं रोज़ से, रोज़ प्लांट से। वो सब फैक्ट्री में बनते हैं, बनाने के मेथड्स होते हैं बेटा। टीक, टीक तो मैंने आपको बताया फर्नीचर के काम आता है, ये फर्नीचर बना हुआ है देखो, टू मेक फर्नीचर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ई। शुगर केन, अब शुगर केन के नाम से ही पता चल रहा है कि इससे क्या बनता होगा। शुगर क्या बनता है? शुगर बन, बहुत सारी और भी चीज़ें बनती है, बट एक चीज़ है शुगर जो आप रोज़ खाते हो, टी में, मिल्क में, सब चीज़ में डालते हो। सो ए ऑप्शन है ना, शुगर केन से शुगर मिल गई। कॉटन से धागा बनता है, और धागे से हमारे कपड़े बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं, तो टू मेक क्लोथ्स, ये आपका बी ऑप्शन है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे क्या काम आते हैं? खाना बनाने के काम आते हैं। सब्जियां नहीं होंगी तो हम खाना कैसे बनाएंगे, है ना? तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूज टू मेक फूड, हम सी ऑप्शन कर देते हैं यहाँ, ठीक है? ये आपको समझ में आया? अब नीचे देखो, नंबर द स्टेजेस ऑफ अ प्लांट्स लाइफ साइकिल इन ऑर्डर फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। ये तो आपको भी आता है कि अपन जमीन में बीज बोते हैं, फिर बीज धीरे धीरे से उगता है, कैसे उगता है, तो आप देख सकते हो ना प्लांट की लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या है, ये सीड, ये नंबर वन हो गया। सीड को हम पानी वानी देते हैं, थोड़ा सनलाइट मिलती है, तो उसमें थोड़ी सी ये शूट उगाती है। देखो आप, हम यहाँ पे कर देंगे इसको नंबर टू। फिर ये पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है, ये स्टेम आ गई, पत्ती वत्ती आ गई, ये थ्री हो गया, और ये फ्लावर आने की स्टेज नंबर फाइव, फोर है ना, लास्ट स्टेज ये फोर है। और इसके बाद भी स्टेज होती है जब फ्रूट उगता है पौधे पर, पर सबसे पहले हमने बीज बोया, सीड को सो किया, फिर सीड को सो करते हैं तो इसमें से थोड़ा सा ये एक तरह का अंकुर सा निकल आता है, अगर हिंदी में बोलें, ठीक है? वो पानी वानी जब हम उसको देते हैं तो ज़मीन में, उसके बाद पॉट में आप देखो थोड़ा सा इसकी स्टेम निकल आई है बाहर, दो तीन पत्ती आ गई है, और ये कच्ची कच्ची स्टेम होती है पहले शुरू में, फिर थोड़ी स्टेम मजबूत हो जाती है और पत्तियाँ आती हैं और फ्लावर भी ग्रो कर गया। सो दिस इज़ वन, दिस इज़ टू, दिस इज़ थ्री एंड दिस इज़ फोर। अब आपको समझ आया ये चैप्टर, आप कंप्लीट करेंगे बेटा, एंड शो मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? टिल देन बाय बाय, सी यू।